नमस्कार, झारखंड अब तक लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि पारा टीचर की अलग अलग स्थान पर रैली कहाँ कहाँ निकली है और कौन कौन से लोगों ने तुम तक वीडियो भेजा है, ये भी आपको जानकारी देंगे। और साथ में ये बताएंगे कि किस किस विधायक के यहाँ पर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम चल रहा है, और साथ में हाईकोर्ट में किसने जनहित याचिका डाला है कि पारा शिक्षकों को काम पर आना चाहिए। सभी चीजों पर हमारी बातचीत होगी। सरकार की ओर से थोड़ी नरमी के संकेत अब आ रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि बर्खास्त पारा शिक्षकों को शीघ्र ही काम पर बुलाने की घोषणा कर दी जाएगी। और आज कुछ और पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गया है, जो 15 नवंबर को गिरफ्तार किए गए थे, जो होटवार जेल में बंद रहे थे। 34 लोगों को कल मिला था, आज लगभग 23 लोगों को जमानत मिलने की खबर है। अब ये मामला इतना तुल पकड़ा है कि दोनों में से, यानी कि पारा शिक्षक एकीकृत संघर्ष मोर्चा जो है वो भी झुकने को तैयार नहीं है, ना ही सरकार बैकफुट पर जाने को दिख रही है। सबों के बीच में सरकार ने उप समिति बनाकर पूरे मामले को पूरा करने की कोशिश की है। आपके पास भी अगर कोई वीडियो होगा तो हम तक जरूर भेजिएगा हमको, हमारे चैनल को। इस समय में रीता देवी ने वीडियो भेजा है और कौशल नारायण ने भेजा, अजीत कुमार पिपला डी से भेजे हैं, और भी कई लोग हैं। सन्नी कुमार ने भेजा है वीडियो, सुमित कुमार तिवारी ने भेजा है जो पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष हैं। तो चलिए सभी लोगों की हम बात करेंगे। तो उसके पहले बता दें कि आज जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें सबसे पहला डेवलपमेंट है कि सरकार की ओर से आज सीरियसली इसमें बातचीत शुरू हुआ है और लक्ष्मण गिलुवा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री से आज फोन पर बात किया है और ये कहा है कि इस मामले को शीघ्र से शीघ्र निपटारा किया जाए, क्योंकि इसके कारण विपक्षी पार्टियों को अच्छा मौका मिल गया है, वो एक बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गए हैं। गिरिडीह से रीता देवी लिखती हैं कि पारा टीचर को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने आज एक वीडियो भी हमसे शेयर किया है और रीता देवी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल देखते हैं और आपने एक वीडियो हम तक शेयर किया है। गिरिडीह में पारा शिक्षकों की एक विशाल जुलूस निकाली गई है, जिसमें सभी लोगों ने जुलूस में ही कहा कि गिरफ्तार पारा शिक्षकों को रिहा करो, सरकार को इन चीजों पर शर्म करनी चाहिए कि वो पारा शिक्षकों को अरेस्ट किए हैं। देखिए नहीं चलेगी। पारा शिक्षकों ने अपने आंदोलन को लगातार जारी रखा हुआ है और हम तक कई व्यूअर ने वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया है, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। कौशल नारायण पंडौल बड़का गांव हजारीबाग के रहने वाले हैं, इन्होंने वीडियो भेजा है जिसमें पारा शिक्षकों की रणनीति बनाई गई जो है लगातार घेरा डालो कार्यक्रम चल रहा है, घेरा डालो कार्यक्रम चल रहा है। पारा शिक्षकों की एक ही मांग है कि उनकी स्थायीकरण कर देनी चाहिए और सैलरी जो है वो छत्तीसगढ़ के तर्ज पर देना चाहिए। सरकार की ओर से भी संकेत मिल रहा है कि सैलरी जरूर बढ़ाया जाएगा, लेकिन सैलरी सरकार ने कहा है कि वो 25,000 रुपये तो नहीं कर पाएगी। लेकिन हमारी आज भी गवर्नमेंट के कई अधिकारियों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि वो सैलरी तो बढ़ाएंगे, 20% तक बढ़ाने का दावा भी पेश कर दिया। कई व्यूअर ने हम तक अलग अलग अखबारों की
फोटोग्राफ को पोस्ट किया है उस पर भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें पारा शिक्षक संघ जो है बड़का गांव हजारीबाग में आंदोलन की तैयारी में लगे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वेतन और स्थायीकरण को लेकर 15 तारीख से आंदोलन रहे हैं। 16 तारीख से हम लोग सरकार के तानाशाही रवैया को देखते हुए हम लोग हड़ताल पर हैं, और हड़ताल के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आज से हम लोग अपने क्षेत्र के सत्ता पक्ष के सांसद और विधायकों के आवास पर अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो में आए हुए। इसका मतलब मकसद यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपके मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं, आपके केंद्र की सरकार मोदी जी नहीं सुन रहे हैं, तो आप हमारे क्षेत्र के मोदी जी हैं और हमारे क्षेत्र के रघुवर जी हैं, आप हमारी मांग कैसे पूरा हो इस पर आप पहल करें। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को कहें जो करना हो, हमारा अगर मांग जायज है तो इन जायज मांगों को पूरा कराने के लिए हम तमाम लोग अपने जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विधायक सांसद के यहाँ आज से घेरा डालो डेरा डालो के रूप में हैं। तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। आगे क्या? आगे का आंदोलन अभी घेरा डालो डेरा डालो जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है। अगर किसी कारण बाय जबरन हमें हटाया जाता है तो क्षेत्र में हम लोग इनका उग्र विरोध करेंगे। अच्छा, आप लोग गेट पे क्या साटे हैं? समान काम का समान वेतन हमको चाहिए, हमारी सेवा स्थायीकरण होना चाहिए, और जो जेल में हमारे साथियों को बंद कर दिया गया है उन साथियों का रिहाई हो, बिना शर्त रिहाई हो। जयंत सिन्हा तो कहें आपके साथ रहेंगे, उसके बाद भी जयंत सिन्हा जी कहने से नहीं होता है ना, हमारे पास कुछ बोलते हैं, काम हमारा रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट मिल जाएगा हम समझ जाएंगे कि हमारे सांसद हमारे साथ हैं। रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो सारे लोगों से ये समझ में आता है कि वो राजनीति कर रहे हैं। तो लगातार पारा शिक्षकों का मनोबल इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि सरकार चुनाव के मौके पर है और यहाँ पर सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा। सरकार ने 15 नवंबर को इस पूरे मामले को जितना तूल दिया उतना जरूरत नहीं था। 14 नवंबर के देर शाम तक में सरकार वार्ता कर सकती थी, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से पूरे मामले को एक तरफा दे दिया, अब सरकार के मंत्री भी इस पर बोल रहे हैं, जैसे कि सरयू राय ने खुद कहा है कि इस पूरे मामले पर सरकार की संवादहीनता है। अर्जुन मुंडा ने भी कहा, बाबूलाल मरंडी, हेमंत सोरेन, सभी लोगों ने अपना पूरा का पूरा जो साथ है पारा शिक्षकों को दे दिया है। और ये आपको बता दें कि बीजेपी के भी कई विधायक, 32 विधायक ने अपना पूरा समर्थन पारा शिक्षकों के साथ रखा है। 8 सांसदों ने भी अपना समर्थन दिया है और कहा है कि शीघ्र इस पर विचार होना चाहिए। अजीत कुमार पिपराडी नारायणपुर नवाडी बोकारो से लिखते हैं कि 1836 रुपये बढ़ाने का दावा सरकार कर रही है। उन्होंने एक फोटो भी हम तक भेजा है कि क्या वास्तव में इतना रुपया बढ़ेगा। अजीत जी, ये 1836 रुपया सभी लोगों का नहीं बढ़ रहा, सरकार ने 200-250 रुपया से लेकर 1836 रुपये तक बढ़ाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ लोगों का 1800-1600 रुपये तक बढ़ेगा और कुछ लोगों का 234 रुपया भी बढ़ा है। इस चीज को सरकार ने बहुत बखूबी बहुत अच्छा से इसको पेश किया ताकि देखने में ऐसा लगे कि सभी लोगों का औसत जो है वो 1836 रुपया बढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की सैलरी सरकार ने जो कहा है कि बढ़ाया है वो सिर्फ 234 रुपया है, कुछ लोगों की 400 रुपया है, यानी कि 234 रुपया से लेकर 1800 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पर इसे लोग समझ रहे हैं अब, और सरकार को स्पष्ट निर्देश देना पड़ेगा। हम आपको ये भी बता दें कि ये अब वो समय नहीं है कि सरकार कुछ भी चीज कह दे और लोग मान जाएंगे। पारा शिक्षकों का जो तेवर इस समय में है, और जो जिस प्रकार से सरकार ने आनंद फानंद में विज्ञापन निकाल दिया, टेट पास वाले को भी बोल दिया कि आप 200 रुपया में पढ़ाइए, 250 रुपया में पढ़ाइए, तो सरकार की एक नीति स्पष्ट नहीं दिखती है। जो हमने हमारी जो सर्वेक्षण टीम है उन्होंने जब इस पर पूरे मामले पर विश्लेषण किया तो देखा कि टीम ने ये देखा कि सरकार को निर्णय पहले प्लानिंग करना चाहिए था 15 नवंबर के पहले, कि वो पारा शिक्षकों के नेताओं से बात करे, उसे मनाने में सफल हो कि आप रांची मत आइए और आपकी सैलरी निश्चित रूप से बढ़ाई जाएगी, 30% हो, 40% हो, स्थायीकरण के लिए कमेटी बनाएंगे। ये सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने एक निर्देश जारी किया कि नहीं, पारा शिक्षक को आना ही नहीं है रांची, आने से अरेस्टिंग होगी, और इसके चलते ही पूरा मामला इतना तुल पकड़ा है।
अब आपको दिखाते हैं हम वीडियो मेनका सरदार ने क्या कहा पारा शिक्षकों के बारे में। मेनका सरदार पोटका क्षेत्र की विधायिका है और झारखंड सरकार में है, आइए सुनते हैं। उसी के तहत आज लगातार अपना सेवा दे रहे हैं, अपना जो तकलीफ से हो या जो भी सरकार के माध्यम से जो ग्राम शिक्षा समिति द्वारा नियुक्ति किया गया था और उस समय पूरा क्षेत्र में शिक्षा का वातावरण बहुत ही दयनीय था। पारा शिक्षक के माध्यम से तमाम गांव में शिक्षा का व्यवस्था सुदृढ़ किया गया और उसमें लगातार जो आप लोग का मालूम होगा शुरू शुरू में बहुत ही दयनीय स्थिति पे आप लोग अपना क्लास चलाते थे, ना भवन था ना उस तरह का आने जाने का जो रास्ता था, लेकिन जो भी कई पारा शिक्षक अपना झोपड़ी में बच्चा को लेके या पेड़ के नीचे भी अपना योगदान देते थे, लेकिन उस दिन से आप लोग अपना से झारखंड अलग हुआ और उसके बाद लगातार आप लोग का इसी तरह मांग आते रहे। निश्चित रूप से मांग आप लोग का हक का मांग है। अभी का परिस्थिति में अगर देखा जाए जैसे आप लोग का अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग का 8,000 रुपया मिल रहा और उसमें कई दुविधा है, तो निश्चित रूप से जो आज आप लोग उड़ीसा या दूसरा स्टेट का जो उदाहरण दिया से हमारे उड़ीसा है और उड़ीसा में जो पारा शिक्षक का आंदोलन करते करते सरकार ने उसको स्वीकार किया, तो निश्चित रूप से हम आप लोग का साथ है। और दूसरी बात है आप लोग का जो मांग है, तो निश्चित रूप से हम लोग भी जनप्रतिनिधि जब भी जाते हैं कहीं कहीं दौरा में तो निश्चित रूप से हम चलते समय के पढ़ाते समय हम घुसते हैं, देखते हैं अब वास्तविक गांव स्तर का जो शिक्षा स्तर पारा शिक्षक के आज तक बचा के रखा है और इसको मान सम्मान सरकार से मिलना चाहिए। हम सरकार का भी अंग है, हम TSC का मेंबर भी है और जिस दिन से जो 15 तारीख को आप लोग का मांग लेके जो रांची गए थे और जो भी उस तरह का घटना घटा, लेकिन मेरा सुझाव है कि उस दिन का जो मांग जो आप लोग लेके गए थे शांतिपूर्वक था, लेकिन कोई कारणवशत इस तरह का हुआ है, तो उसमें भी सरकार भी निर्णय लिया कि जो इस तरह का जो उच्चन आया है उसमें हम लोग बहुत दुख तो हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग अपना सरकार में है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज भी हम रांची जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। दूसरी बात है जब आने वाला विधानसभा जब चलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग जितने भी विधायक है आप लोग का मांग लेके विधानसभा में हम लोग ध्यान आकर्षण करेंगे, शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे, तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग का जो इतना मेहनत और इतना तकलीफ से जो शिक्षा को सुधार करने के लिए आप लोग आगे बढ़े हैं और हमारा बच्चा को जो मूलभूत बुनियादी शिक्षा दे के आप लोग आजीवित करके रखे हैं और झारखंड सरकार भी चाहते हैं, लेकिन जो भी जो आप लोग का एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर पिछले दिन गया था, पता नहीं किस तरह बैठता हुआ नहीं हुआ, लेकिन पेपर में जो भी पढ़े हैं तो आप लोग का निराश होने का कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग सब मिल के आप लोग का मांग को पूरा करेंगे। पारा शिक्षकों के संबंध में सनी कुमार प्रवक्ता है एकीकृत संघर्ष मोर्चा के, इन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि जमशेदपुर के बगल में जो ईचागढ़ का क्षेत्र है, ईचागढ़ में विधायक साधु चरण महतो के साथ बातचीत हुई। साधु चरण महतो ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि 32 विधायक BJP के जो है वो इस समय में भारतीय जनता पार्टी के और से उन्होंने कहा था कि वो उनके संपर्क में है। सरयू राय जो मंत्री है कैबिनेट में, उन्होंने भी कहा था कि कई मंत्रियों से उनकी बातचीत हुई है और सनी कुमार ने कहा है कि साधु चरण महतो ने भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों को माना जाएगा और इस समय में
पारा शिक्षक से जुड़ी हुई तमाम खबर हम तक आ रही है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431156794 और इस पर आप अपना वीडियो जरूर सेंड करिएगा, हम आपके नाम के साथ वो वीडियो बताएंगे, वीडियो सच्ची होनी चाहिए, खबर की हम पड़ताल करेंगे उसके बाद ही वीडियो को शेयर करेंगे। वहीं दूसरी ओर अलग अलग इलाके में पारा शिक्षक गाना बजाना करके, कविता पाठ करके, गीत संगीत के माध्यम से अपनी बातों को कह रहे और ये एक अच्छा जज्बा है। इसके माध्यम से कहा जा रहा है कि वो आने वाले समय में सरकार से अलग हो जाएंगे, सरकार के साथ नहीं होंगे, उन्हें तो सहारा चाहिए और इस सहारा को कैसे मिलेगा ये देखना है। कुछ कविताओं के माध्यम से आपको दिखाते हैं, ये बड़का गांव हजारीबाग की तस्वीर है, कौशल नारायण ने भेजा है, देखिए इस तस्वीर को। मकान पुरानी सड़क में किसका है, तो तुम तो ठहरे छत्तीसगढ़िया काम को बिगाड़ोगे। Oh!
पहली गाड़ी से कवरेज आपको कैसा लगता है आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर लिखिएगा। झारखंड अब तक लाइव पर भी ये प्रसारण हो रहा है लगातार। हम आपको ये बता दें कि ये जो पारा शिक्षकों की लड़ाई है ये अधिकार की लड़ाई है और इसमें सरकार के पास जो है वो उतना सरकार अब के समय में सरकार एक तरफा निर्णय नहीं ले सकती है। एक और समाचार अंत आ रहा है, संजय कुमार नाम के व्यक्ति ने जनहित याचिका हाईकोर्ट में आज डाला है। इसमें बोला है कि पारा शिक्षकों की हड़ताल गलत है, इससे पठन पाठन और दिक्कतें आ रही है, इसलिए हाईकोर्ट को ये बोलना चाहिए कि पारा शिक्षक अपना हड़ताल तोड़ दे। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि हाईकोर्ट में एक मामला और है पारा शिक्षक का सैलरी बढ़ाने को लेकर, और इस मामले को संजय कुमार ने जनहित याचिका के तौर पर पेश किया है। देखना कि इस मामले को हाईकोर्ट एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हम लगातार ऐसी अपडेट आपको देते रहेंगे। अब जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।